दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गार्डनिंग विद विजय लखेड़ में। दोस्तों आज बात करते हैं मनी प्लांट के बारे में, इसकी केयर कैसे करनी है और क्या प्रॉब्लम इसके साथ में आती हैं। आइए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों मनी प्लांट एक छायादार जगह में उगने वाला पौधा है जो कि बहुत सुंदर तरीके से किसी भी क्लाइमेट में अच्छी तरह ग्रो करता है। यह ठंडे से ठंडे इलाके में से लेकर के और काफ़ी गर्म इलाके तक बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव करता है। इसको सेमी शेडो स्थिति बहुत अच्छी लगती है। इसको आप जैसे दीवार में मैंने इसको चढ़ाया है, आप दीवार में इसको चढ़ा सकते हो। साथ ही साथ में दोस्तों ये पानी में भी बहुत अच्छा चलता है, आप इसको कटिंग से आराम से ग्रो कर सकते हो। जैसे मैंने लगाया है किसी अच्छे पॉट में, आप इसकी कटिंग ले करके और इस तरीके से ग्रो कर सकते हो। जब आप इसको पानी में लगाओ तो बीच बीच में इसके पानी को आप बदलते रहिए, ये बहुत ही अच्छा चलता है। दोस्तों इसको हम मॉस्टिक में या किसी प्रकार के स्टिक में लगा सकते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं ये दो स्टिक हैं, ये मार्केट में इस तरह की स्टिक मिलती हैं। मॉस स्टिक भी मिलती है और नारियल के रेशे से बनी हुई जूट स्टिक भी मिलती है। ये इस तरीके से इसको गमले में स्टिक के साथ में लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जब हम स्टिक के साथ में इसको लगाते हैं तो इसकी पत्तियां काफ़ी चौड़ी हो जाती हैं और काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। दोस्तों ये एक बहुत खूबसूरत पौधा है जिससे कि आप अपनी बैठक को या अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से सजा सकते हो। इसको दोस्तों किसी भी जगह में बेल के रूप में भी हम चढ़ा सकते हैं, यह बहुत सुंदर चढ़ता है। लेकिन दोस्तों इसको वैसे तो कोई परेशानी नहीं होती, किसी तरह का रोग नहीं लगता है, लेकिन ये एक सुंडी आप देख रहे हैं, ये कैटरपिलर, ये बहुत नुकसान पहुँचाता है और ये कुछ ही समय में पूरे पौधे को बर्बाद कर डालता है। यह बहुत ख़तरनाक कीड़ा है दोस्तों, और इसका प्रकोप अगर बड़ी संख्या में हो जाता है तो ये कुछ ही घंटों में पौधे को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। ये देखिए दोस्तों, ये पौधा कुछ ही घंटों में, ये तीन चार कैटरपिलर्स में चिपके हुए थे, इन्होंने कई सारी पत्तियां खा करके इसको बर्बाद कर दिया। दोस्तों इसके बचाव का उपाय है, आप हाथ से इनको निकाल सकते हैं। यदि पौधा बड़ा हो तो साबुन के पानी का स्प्रे आप अपने पौधे में करें तो इससे इसमें रुकावट हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये हमारा आज का वीडियो? लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।